और कर रहा हूँ इसका खूबसूरत सफ़र। ये टॉय ट्रेन में कैसे आप बैठ सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं, और कब कब चलती है, कहाँ से चलती है, और कैसे आपको इसका एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी और शायद इसमें बैठने के बाद आपकी जो एक ट्रिप हो वो यादगार बन जाए, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए टॉय ट्रेन का सफ़र। शिमला की टॉय ट्रेन के सफर के लिए सबसे पहले मैं हरियाणा में पड़ने वाले कालका रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से बाई शताब्दी एक्सप्रेस पहुंचा, और कालका रेलवे स्टेशन से ही सभी टॉय ट्रेन की शुरुआत होती है, और ये रेलवे स्टेशन काफी खूबसूरत सा भी है। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और मैं हूँ कालका रेलवे स्टेशन पर। छोटू सा ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर मैं करूँगा टॉय ट्रेन की यात्रा, और कई सारी टॉय ट्रेन रहती हैं, कई सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कौन कौन सी है। और अभी मैं जिसमें सफ़र करने वाला हूँ उसका आज पूरा सफ़र आपको दिखाता हूँ। कालका से शिमला के बीच अभी कुल 6 टॉय ट्रेन चल रही हैं, और ये सभी ट्रेन रात के 3:30 बजे से दोपहर 12:10 के बीच चलती है। मेरी ट्रेन यहाँ से सुबह 6:20 पर थी। मेरी जो टॉय ट्रेन है वो है ये, और बाकी तो बाद में दिखाऊंगा मैं। फिलहाल आप ये देखो, ये रहा मेरा जो केबिन है, पूरा इसमें केबिन मिला हुआ है, और काफी कम फेयर है इसका, और वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। आप कालका शिमला के किसी भी ट्रेन में अगर फर्स्ट क्लास में बुकिंग करते हैं तो केबिन का ऑप्शन मिलता है, जिनमें से सुबह 5:45 पर चलने वाली शिवालिक एक्सप्रेस में फूड भी इंक्लूड होता है। So, मेरी ये है टॉय ट्रेन कालका शिमला की, जो रेड कलर की है, अगर कहीं और जाते हैं तो ब्लू कलर की होती है, जैसे कि दार्जिलिंग वगैरह में नीलगिरी वाली है, ऊटी वाली, लेकिन ये रेड कलर की है, थोड़ी अलग है। अनाउंसमेंट हो रहा है अगले 10 मिनट के अंदर ये चल देगी, तो मैं अंदर जल्दी से जा रहा हूँ। हेलो सिक्स। मेरी ट्रेन सुबह 6:20 पर अपने टाइम से रवाना हो गई, और इंतजार होने लगा सुबह की रोशनी का, लेकिन तब तक केबिन क्लोज करके हुआ खूब सारा डांस। सो टॉय ट्रेन में अभी हो गई है सुबह, और अभी जो मौसम है हल्की हल्की बारिश हो रही है, और बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा अमेजिंग सा, मतलब वर्ड्स जिसके लिए नहीं होते हैं ना, वो वाला अभी सफ़र चल रहा है। और हर एक लम्हे में आपको अलग अलग खूबसूरती दिखाई देगी यहाँ पर। महेश्वरी जी लेना है आपको? महेश्वरी जी क्या नहीं, चलो? मैंने खाती कटलेट। महेश्वरी जी ना, महेश्वरी महेश्वरी धर्मपुर। अरे रुकी रुकी, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत हल्की हल्की सी बारिश में आया पहला स्टॉपेज। सो लगभग 8 बजे ट्रेन रुक चुकी है धर्मपुर रेलवे स्टेशन पर। छोटू सा प्यारा सा ये रेलवे स्टेशन है,
और यहाँ पर आप चाय की चुस्की भी ले सकते हैं। ये रहा चाय का टी स्टॉल और काफ़ी लोग यहाँ पे उतर गए हैं। काफ़ी देर बाद ट्रेन रुकी है, बहुत लोगों को एक्साइटमेंट था कि रुके या फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी चाय पानी की जाए। और बाकी आप देख रहे होंगे धर्मपुर हिमाचल और चाय यहाँ पे हम लोग भी लेने वाले हैं। 10 रुपए की चाय। और ये ब्रेड पकौड़ा कैसे है? 30 रुपए प्लेट। 30 रुपए प्लेट है। कितने प्लेट हैं? दो। तो ऐसा नहीं है कि आपको रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं, शिमला में ही बहुत अच्छा लगा मुझे भी मिलके और अच्छा लगता है। वही ग्रुप है भैया। थैंक यू सो मच। भाई भाई चैनल का नाम डिस्टेंस भाई लोग जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, भैया बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो एक मिनट के अंदर अंदर ही जैसा ही मैंने उतरते बोला था कि एक मिनट में सिग्नल हो जाएगा, हो गया है। बट यहाँ पे आप चाय और मैगी ले सकते हो और ऐसी हल्की हल्की सी बारिश में आपको चाय और मैगी मिल जाए तो मतलब मज़ा डबल हो जाएगा। मैंने मैगी तो नहीं ली है लेकिन चाय ली है जो मैं अभी अंदर जाके पीने वाली हूँ। चलते हैं, सिग्नल हो चुका है लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि ट्रेन स्टार्ट हो जाए ताकि मैं चलती हुई ट्रेन में चढ़ पाऊँ। और मैं मतलब मैं बाहर रह जाऊँ, मैं शूट करते करते मैं बाहर ही रह जाऊँ। ये यहाँ पे बढ़िया, जल्दी चलो, चलो, अरे चलो ना अंदर चलो, नहीं आप चलो, चल वीडियो बना। हाँ बना रहा हूँ, चलो चलो, चलो। अरे चल तो बाय बाय धर्मपुर हिमाचल दे हैं अगले रेलवे स्टेशन पर। इस पूरे रूट पर नैरो गेज की रेलवे लाइन बिछी हुई है जो कि 96 किलोमीटर की है और इस रेलवे लाइन का प्रारूप तो 1847 में ही रख दिया गया था, पर 1891 में दिल्ली कालका रेलवे लाइन स्टार्ट होने के बाद सन 1900 से 1903 के बीच इसका निर्माण शुरू हुआ और 9 नवंबर 1903 में कालका शिमला रूट को लॉर्ड कर्जन के प्रतिनिधित्व में ओपन कर दिया गया। देवदार और चीड़ के वृक्षों के बीच से धीरे धीरे गुजरती हुई और अपनी सुरीली सीटी बजाते हुए टॉय ट्रेन हर पल बदलते हुए सीन से इस सफर को बेहद हसीन बना दी थी। कमेंट में बताएं कौन ज्यादा किसकी हसीन तेज है। तो आवाज निकाल निकाल के वाह ऐसे तो मैं भी करूँ। यही जीतेगी, यही जीते, पागल दे दीजिए इसको सब कुछ। और यूं ही गप्पे मारते मारते हमारा ये सफर मजेदार होता चला जा रहा था और इसी के बीच एक और स्टेशन पड़ा बरोग, जो कि इतना खूबसूरत और प्यारा बनाया गया था कि आपका मन खुश हो जाए। अभी जिस रेलवे स्टेशन पर रुकी है टॉय ट्रेन वो है बड़ोग और बहुत ही खूबसूरत सा है ये प्यारा सा छोटा सा रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। मौसम बहुत प्यारा सा है, हसीन सा है, अपनी आँखों से जब देखेंगे तो आपको बहुत प्यारा महसूस होगा। बहुत प्यारा रेलवे स्टेशन है, इस पर आप उतरिएगा भी ज़रूर। तो हमारा जो कोच है वो इधर है, केबिन वाला है, जबकि दूसरा कोच नॉर्मल कोच आता है इधर की तरफ है। आप लोग अच्छा यहाँ पे जिस कोच में है आप लोगों ने कितना पे किया है? 60 रुपीज़ दिखा सकते हो आप लोग? ओके, हम लोग को बढ़िया वाली मिली नहीं थी। 60 रुपए पे किया है। वर्थफुल है या नहीं? ये बिना टिकट के आया है। अच्छा तो यहाँ पे अगर आप सीट देखेंगे जी बिल्कुल, ये
60 रुपीस में अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अंदर भी जाता हूँ बेटा, इधर आ जाओ। इसमें लगेज रखने की अपनी व्यवस्था है, ऊपर रख सकते हैं आप आराम से। बिल्कुल ही देखे, आप लगेज रख सकते हैं। लगेज के लिए भी अरेंजमेंट है और यहाँ पे भी मतलब सीट्स वगैरह भी कंफर्टेबल है। और अगर आगे आएंगे तो यहाँ पर टॉयलेट भी है, मतलब हर कंपार्टमेंट में दिया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल डिलक्स में है या फिर बाकी सब में। तो मतलब ये क्लास भी 60 रुपीस में भी अगर आप आते हैं तो आप तो मतलब कम पैसे में एकदम हाई क्लास वाली चीज लेंगे। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास व्यवस्था है। मजा आ रहा है। यस यस, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कालका शिमला रूट पर कुल 102 सुरंगें हैं और इनको मिरर की रोशनी की हेल्प से बनाया गया था, जिसमें सबसे लंबी सुरंग नंबर 33 बरोक के पास है, जो कि लगभग 1143 मीटर की है। और इस रूट पर 900 से ज्यादा ब्रिज भी हैं। बरोक रेलवे स्टेशन से ट्रेन सोलन की तरफ बढ़ी तो ठीक बगल में शिमला जाने की रोड बहुत ही प्यारी सी दिख रही थी। तल से 1494 मीटर की ऊंचाई पर है सोलन, और सोलन का नाम आपने सुना होगा। और अभी यहाँ पर ट्रेन रुकी थी और सडनली अभी चल भी चुकी है और तेजी से। पर सो यहाँ पे अगर आप ये वाला कोच देखेंगे, आप लोगों ने कितना पे किया इसके लिए? सो इस कोच में आप देखेंगे इसमें एसी भी लगा हुआ है। अब आई थिंक हीटर का काम करता है या नहीं करता है। और इसमें आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ग्लासेस लगे हुए हैं। और अगर 200 रुपए के आसपास में इसका प्राइस है तो ये अमेजिंग है। यहाँ पे इसमें पूरे ग्लास लगे हुए हैं। इस कोच का मैं नाम देखता हूँ, इसमें लिखा नहीं है। सो मैं बता दूंगा, लिख दूंगा नीचे कौन सी ये कोच है। और यहाँ पे भी मतलब अलग अलग इसमें कई सारे कोच आपको मिलेंगे। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी और हर वक्त मौसम बदल रहे थे। इस सफर के लिए जो मैंने फेयर दिया था वो केवल 275 रुपए था और इसकी बुकिंग एक महीने पहले ही IRCTC की वेबसाइट पर ओपन होती है। एक केबिन में कुल 5 सीट्स होती हैं और आप कालका से शिमला के सफर के दौरान राइट साइड में बैठे, क्योंकि इधर साइड ही सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं। सुकंडा घाट रेलवे स्टेशन पे अभी ट्रेन रुकी है और यहाँ से बहुत ही प्यारा सा व्यू दिख रहा है, जिसमें बादल आपको ऊपर दिखेंगे और ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी हमारे हैं। नीचे ये प्यारी सी रोड जा रही है और छोटा सा क्यूट सा ये रेलवे स्टेशन है। पूजा कैसा लग रहा है? इंट्रो शूट करना है। इंट्रो शूट करना है, मैं पूछा कैसा लग रहा है तो इंट्रो शूट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ही प्यारा ये रेलवे स्टेशन है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके जितने भी रेलवे स्टेशन है उनको रखा गया है। और ये पूरे यहाँ पे गमले वगैरह हैं, अच्छे से मेंटेन किया गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा भोलू गार्ड और चाय की दुकान जैसा कि हर जगह है। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? गुड। तो यहाँ पर ये है जो आप देख रहे हैं, पूरी टंकी है, ये बीच में रहती है ट्रेन में, इसी से पानी जाता है, सप्लाई होता है।
लगभग 5 घंटे के सफर के बाद लगभग 11:30 बजे हम शिमला रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। सुबह के 11:30 बजे जो कि यहां का टाइम था इस ट्रेन का, वो हमें पहुंचा दी है शिमला। और बेहद खूबसूरत मौसम है पर ठंड बहुत ज़्यादा है और सफ़र बहुत ही सुहाना रहा। अगर आप शिमला आ रहे हैं तो ये एक ऐसा सफ़र है जिसको आप करे बिना शिमला की अगर ट्रिप करते हैं तो शायद अधूरी मानी जाएगी, तो इसलिए इसको ज़रूर अपनी ट्रिप में इंक्लूड करें और बहुत ही आप एंजॉय करेंगे इस ट्रिप को सच में।